सीतापुर जिला मुख्यालय विकास भवन धरना स्थल पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा व भारतीय मजदूर किसान वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त बैनर तले केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 काले कानून के विरोध में संयुक्त रूप से 7 दिन तक चला धरना प्रदर्शन। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा देश के 550 जिलों में मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया। कड़ाके की ठंड में सैकड़ों किसानों के साथ धरना स्थल पर काले कानून के विरोध में किसान मजदूरों ने 7वें दिन धरना समाप्त किया। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि जब तक किसान विरोधी सभी कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम सभी सैकड़ों किसान मजदूरों के साथ जेल भरो आंदोलन करेंगे। संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को धरना स्थल पर ही सौंपा गया। देश के किसानों द्वारा दिल्ली सिंधु बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर एवं गाजीपुर बॉर्डर पर किसान विरोधी कानून को वापस लिए जाने के लिए धरना स्थल पर चल रहा था। बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन में मरे किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए, किसानों के परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए, सरकार या कानून पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पारित किया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 के माध्यम से सरकार पूंजीपतियों को अनाजों की जमाखोरी करने की खुली छूट दे रही है, इससे भारतीय खाद्य निगम बंद होने की साजिश है जिससे कि देश के किसान, गरीब किसान और मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। मजदूर किसानों के हित के लिए 29 कानून बनाए दिए गए हैं। देश के किसानों में आक्रोश व्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेशों तक किसानों को जारी बिल रोक लगा दी है और समिति गठित कर दी है। समिति में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो पहले से ही बिल के समर्थन में है, जिसमें किसानों को भरोसा नहीं है न्याय मिलेगा। किसान विरोध कानून वापस नहीं लिए गए तो देशव्यापी जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में किसान मोर्चा के जिला संयोजक रामातार आदिम व बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक विकास कुमार, बहुजन मुक्ति पार्टी जिला उपाध्यक्ष राम नरेश शाही, सूबेदार चौहान, राम कुमार कनौजिया, परशुराम सागर, संजय सक्सेना, राहुल कुमार, मोहम्मद इब्रान, परशुराम सागर, विमल रत्ना देवी। समर्थन में भारतीय मजदूर किसान वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगेश्वर वर्मा, जिलाध्यक्ष संतोष कुमार राव, जिला महासचिव अरुण कुमार राज, सचिव कौशल कुमार रावत, जिला उप सचिव पंकज सिंह, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष विमला देवी, ब्लॉक अध्यक्ष देशराम गौतम आदि सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। R9 भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर। खबर जिला जौनपुर से है जहां लगातार AIMIM का कारवा रफ्तार बढ़ता नजर आ रहा है, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के लिए कुछ उलटफेर का संकेत दे रहा है। इस दौरान जनपद जौनपुर के AIMIM जिला अध्यक्ष मोहतरम इमरान बंटी के साथ साथ युवा नौजवानों समेत नए पुराने सभी उम्र के कार्यकर्ताओं का जोश देखते बन रहा था। प्रेसिडेंट इमरान जिला जौनपुर के किराकत विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम को सम्पन्न करने गए थे, जिस दौरान वह प्रेस वार्ता के जरिए पार्टी की नीतियों को सार्वजनिक रूप से रूबरू कराते हुए नजर आए। देखिए इस रिपोर्ट में। AIMIM के जिला अध्यक्ष इमरान मंटी साहब हम लोगों के समक्ष मौजूद हैं और साथ में विधानसभा अध्यक्ष किराकत जिगरी खान साहब हैं। हम आप लोगों से यही जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार अभी सदन में बैठा विपक्ष आपकी पार्टी को कोसता है, बराबर उनको वोट कटवा की संज्ञा दी जाती है, बराबर उन्हें बीजेपी की भी टीम और एजेंट बताने का काम किया जाता है आपके AIMIM चीफ को। सर क्या कहना होगा स्पष्टीकरण में? देखिए हमने 2014 में लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ा। नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के हो जाते हैं। हमने 2017 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हमने नहीं लड़ा। यहाँ पर आखिर में योगी जी यहाँ मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? 2019 में पूरे हिंदुस्तान में हमने सिर्फ 3 सीटों पर हमने इलेक्शन लड़ा, एक बिहार की, एक महाराष्ट्र का औरंगाबाद, एक बिहार का किशनगंज, एक हैदराबाद, जिसमें से हम 2 सीटें कामयाब रहते हैं। यानी कि हम 75% से ज्यादा एफर्ट हम देते हैं। तो अगर हम कहीं बीजेपी की बी टीम होते, हम बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश में होते तो हम 3 ही सीट पर इलेक्शन क्यों लड़ते? हम 500 से ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, वहां क्यों नहीं हम लड़े? असल में यह है कि इनकी सियासी जमीन वो खिसक रही है, चाहे वो समाजवादी हो विपक्ष में, चाहे वो कांग्रेस हो। इसलिए जब उनकी जमीन खिसकेगी तो वो अपने तमाम इल्जाम लगाएंगे। बहरहाल जनता देख रही है, जनता का AIMIM पर भरोसा बढ़ता चला जा रहा है। सर उन्नाव के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता साक्षी महाराज जी अभी एक बयान दिए थे, उसमें उन्होंने आपको अपना सहयोगी बताया कि ओबैसी हमारे बहुत अच्छे सहयोगी हैं, बहुत ही अच्छा हमारा काम करते हैं। क्या कहना होगा इन बातों पर सर? देखिए साक्षी महाराज जी ने इसके पहले, उनके बयानात तो बड़े ही अच्छे अच्छे आते हैं और उनको कोई उत्तर प्रदेश क्या हिंदुस्तान या हो या उत्तर प्रदेश हो कोई सीरियसली नहीं लेता। उन्होंने सोनिया गांधी जी को बारवाला कहा था, क्या कांग्रेस के लोग क्या उसको मानेंगे कि साक्षी महाराज जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं? तो उनकी बात को सीरियस लेना एकदम गैर जरूरी है, कोई मतलब मायने की बात नहीं है। लेकिन एक प्रखर चेहरा तो है ही वो भारतीय जनता पार्टी के,
भारतीय जनता पार्टी का प्रकाश चेहरा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बातों को डिनाई कर दिया, मुख्तार अब्बास नकवी ने उनकी बातों को डिनाई कर दिया। तो कहने का मतलब यह है, चूंकि देखिए समाजवादी पार्टी से और साक्षी महाराज जी से बहुत अच्छे रिलेशन है, वो रिलेशन आप तमाम लोगों को देखने को भी मिला है। साक्षी महाराज जी को उठा करके मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी में सदस्यता दिलाई। कल्याण सिंह, देखिए बीजेपी और समाजवादी में कोई फर्क नहीं है, दोनों क्या अगर समाजवादी पार्टी आपसे गठबंधन करेगी भविष्य में चलकर तो क्या आप कर लेंगे? देखिए हमारी जो सोच है कि हम इस मुल्क के अंदर संविधान को मानने वाले और सेकुलरिज्म पर भरोसा करने वाले, फर्जी सेकुलरिज्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सेकुलरिज्म पर भरोसा करने वाले और भारतीय जनता पार्टी से हराने वाले तमाम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है हम कोशिश करेंगे कि वो समान विचारधारा के दल एक साथ में आए। सर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल जिसमें पिछले कई वर्ष पहले आप भी कार्यरत रहे हैं, सर आप भी वहीं से निकले हुए हैं, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने शाहगंज की बॉडी ने और राष्ट्रीय सचिव उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये असदुद्दीन ओवैसी भारत का दूसरा जिन्ना है, क्या कहना होगा आपका इस पर? देखिए असल में उलेमा काउंसिल और बीजेपी ये दोनों को अगर आप देखिएगा, अभी आमिर रशादी साहब के एक बयान, इन्होंने 2 साल पहले एक रैली किया था शाहगंज विधानसभा में, उस रैली में उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जाऊंगा, और इसमें नो डाउट कि भारतीय जनता पार्टी से उनके बड़ी करीबी रिलेशन है, तमाम मुकदमात है उनके ऊपर, सरकार बीजेपी की है इस वजह से वो कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिल रहा है। सर बाटला हाउस और भोपाल में जो कथित फर्जी इनकाउंटर बताया गया उस पर बैरिस्टर साहब मौन क्यों सहे रहे? नहीं मौन नहीं था बाटला हाउस में, आप उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस आप देख लीजिए, आप उनके जो है तो उस वक्त की तमाम जो उनके संघर्ष थे उसको देख लीजिए। और दूसरी बात, जो उलेमा काउंसिल ने जो इल्जाम लगाया है कि दूसरे जिन्ना है, यही बात तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, उनसे नेता कहते हैं यही बात कहते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनसे और उलेमा काउंसिल और बीजेपी से ये अंदरूनी जबरदस्त बैठ है, क्योंकि अपने मुकदमात से बचने के लिए, तमाम चीजों से करने के लिए उनकी नजदीकियां बढ़ी हुई है, ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं रह चुका हूं। अध्यक्ष जी AIMIM में ऐसा क्या मिला आपको जो आपने उलेमा काउंसिल का दामन छोड़ के उसे मोहभंग कर दिया और आप इनका दामन थाम बैठे? देखिए उलेमा काउंसिल जिस वक्त में बनी थी यकीनन उस वक्त में जिस तरीके से काम हो रहे थे, मगर एक और सच्चाई है कि उसके बाद उलेमा काउंसिल का कोई भी संघर्ष नहीं है, जो बटला हाउस के लिए किया वो आज जिनको भी जानकारी है, जो लोग भी जानते हैं उस चीज को सराहते हैं, मगर उसके बाद उनकी कोई खिदमत नहीं है। तो जब हमको लगा कि नहीं साहब की अब यहाँ पर नहीं है, आज कहाँ संगठन बचा हुआ है, कहीं नहीं। बहरहाल हम, मुझे नहीं लगता कि उस पार्टी की बात करने से बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि उसके अपने वो खत्म हो चुके। सर शिवपाल पे क्या बोलते हैं? सर देखिए शिवपाल यादव जी, बहरहाल इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ओम प्रकाश राजभर जी हमारे इस मोर्चा जो बना हुआ है नौ दलों का उसके मुखिया है, वो जो समझेंगे वो करेंगे। तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के भी विषय में आप कुछ बता सकते हैं कि आपके सहयोग में रहे प्रदेश में कह रहे हैं? R9 भारत के लिए अभिषेक अहमद की रिपोर्ट, जौनपुर। पीलीभीत के थाना सहरा मऊ उत्तरी की चौकी गढ़वा के 2 सिपाहियों का सेक्स रैकेट आया सामने। बता दें कि थाना सहरा मऊ उत्तरी की चौकी गढ़वा का मामला, चौकी पर तैनात सिपाही सचिन मिश्रा व विपिन मिश्रा कई महीनों से सेक्स रैकेट चला रहे थे, जिसकी शिकायत मुखबिर द्वारा पुलिस अधीक्षक को मिल चुकी थी। गत दिवस कॉल गर्ल की ऑडियो वायरल होने के बाद दोनों सिपाहियों का काला चिट्ठा सामने आ गया है। आरोप ये भी है कि दोनों सिपाही डिमांड पर मोटी रकम लेकर कॉल गर्ल को बुलाते थे और मौके पर पकड़कर डिमांडकर्ता से रुपए वसूलते थे। दोनों सिपाहियों ने अपना धंधा खूब फूल फल रहा था। आनन फानन में पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश यादव ने दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया। मीडिया को खबर लगने के बाद दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश यादव ने बताया कि दोनों सिपाहियों पर लगाए गए आरोपों में कुछ सही पाए गए हैं, जांच कराई जा रही है, और भी कोई तथ्य सामने आते हैं तो उसके आधार पर दोनों सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन सी आईडियो क्या है? सर मेरे को पता ही नहीं, मेरी ना उसमें आवाज़ है ना कुछ है, कोई प्राइवेट आदमी बात कर रहा है, प्राइवेट लड़की है प्राइवेट लड़का है, ठीक है, उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, ना मेरी आवाज़, ऐसे तो कोई भी आदमी किसी को भी फंसा सकता है। उसमें ये कह रहा है कि सेक्स रैकेट आप चला रहे थे? ना इसके बारे में आप किसी को भी जानकारी कर लीजिए, वो लड़की साहब मिल लीजिए, अगर लड़की कह दे तो आप जो सजा देना चाहे ना वो हमको दे देना। कौन है शख्स जो आपको फंसाना वो चाह रहा? उसको हम पहचानते भी नहीं, वो तो महेंद्र चाहत है थाने चौकी का, वही फंसा रहा बस। वो क्यों आपसे कोई रंजिश? पता नहीं सर क्या उसको है क्या नहीं है, क्या हमारी उसकी दुश्मनी है, हमने तो कुछ उसके गलत काम किया नहीं है।
ठीक है, वही फंसा रहा है हमें सब। और ना हम लड़की को पहचानते हैं, कौन सी लड़की है, कब आई कब नहीं आई, ना लड़की हमें पहचान रही ना हमें उसे पहचान रहे हैं। ज़्यादा इसकी जांच करा ली जाए, पूरी जांच करा, जो दोषी है उसको दंड दिया जाए पूरा। आपको फंसाया गया है? बिल्कुल निर्दोष फंसाया गया सर, मेरे को जालसाज करके फंसाया गया है। वायरल हो रही है जिसमें आप पे आरोप लग रहा है कि आप किसी लड़की के साथ आपने नाजायज रिश्ते बनाए या आप सेक्स रैकेट चला रहे थे, क्या है पूरा मामला, कौन है ऑडियो में? देखिए सर, इस बात का अभी तक कुछ हमको खुद नहीं पता है कि ये ऑडियो कैसे वायरल हो रही है, कौन हमारे खिलाफ ये रंजिश कर रहा है। और जो ये सेक्स रैकेट की बात है, इस चीज़ के बारे में तो आज तक मैं कभी जाना भी नहीं कि ऐसा कोई मामला हुआ है हमारे साथ में। कौन है वो शख्स जो, और लड़की कौन है जो आवाज़ आ रही है, रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है? लड़की को अब तक मैंने ना देखा है, ना उस लड़की को मैं पहचान रहा हूँ, लेकिन हाँ ये कुछ हमारे साथ के ये लोग हैं जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा पहले भी हमारे साथ कई बार फंसाने के लिए हमको किसी दूसरे ब्लेम में लगाने की कोशिश कर चुके हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्या रंजिश रखते हैं आपस में, क्या है आपस में? बस वो ये सोचते हैं कि हमारा कुछ गड़बड़ करते रहें वो बार बार, ऐसे कई दफ़ा वो फंसा चुके हैं हम लोगों को। कौन है वो, कौन सिपाही हैं? हमारी चौकी के दो सिपाही हैं, महेंद्र और चाहत। जी सर, मैं महेंद्र को जानती थी, महेंद्र मेरे पुराने जानने वाले थे, तो उनसे थोड़ी मेरी मुलाकात थी महेंद्र से, तो महेंद्र ने मुझे फ़ोन किया था एक नंबर से, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि तुम हमें बुलाते थे वो, उन्होंने हमारे साथ बलात्कार भी किया था, तो उन्होंने हमारी वीडियो बना ली थी उन्होंने, तो उन्होंने हमसे फिर हमें ब्लैकमेल करने लगे, वो कहने लगे कि बिपिन का और सचिन का नाम लो, और जो हमसे कहते रहे वो हम कहते रहे उनके लिए, जो जो बात उन्होंने हमसे कही वो हम कहते रहे, तो उन्होंने आज हमें फंसा दिया इस मैटर में। वो कौन सा शख्स जो कॉल कर रहा है आपको, उसे जानती हो आप? हाँ नहीं, मैं उसे नहीं जानती हूँ, नंबर से कॉल आया था मेरे पास, और उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और उसका फ़ोटो भी है लड़के का मेरे पास, जिस नंबर से मैं से बात कर रही हूँ मुझसे बात हो रही है, वो ज़बरदस्ती लोगों को फंसाया जा रहा है, ना तो मैं बिपिन को जानती हूँ ना ही मैं सचिन मिश्रा को जानती हूँ, मेरे सामने आ भी जाएंगे तो मैं पहचान भी नहीं पाऊँगी कौन है। महेंद्र कौन है? महेंद्र से मेरी पहले मतलब मैं जाती थी ना। कौन सिपाही है, कौन है पता नहीं, ये इस बात के लिए मुझे ये बताते थे कि हम दरोगा हैं, ये कि वो हमारे पाप दरोगा हैं। बुलाया कहाँ पे था, चौकी पे कहाँ पे? हाँ गढ़वा चौकी में बुलाया था मुझे। थाना सेहरा मऊ की चौकी गढ़वा खेड़ा के दो आरक्षियों के विषय में शिकायतें मुझे गोपनीय रूप से मिली थी, और मेरे द्वारा ही इसमें तत्काल छानबीन कराई गई। छानबीन से इनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं और कई ऐसी चीज़ें पाई गईं जो इनकी शिकायतें सही थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर क्षेत्राधिकारी पूरनपुर की आख्या पर दोनों आरक्षियों को निलंबित कर दिया गया है, और इन्हें कल ही पुलिस लाइन रवाना कर दिया गया है। ये दोनों आरक्षी अभी निलंबित हैं और इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी गई है। जांच से जो आरोप प्रमाणित पाए जाएंगे उसके आधार पर इनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। R9 भारत के लिए विकास सिंह की रिपोर्ट, पीलीभीत। चित्रकूट में दिन दहाड़े दोहरे हत्याकांड से सनसनी युवक और युवती के शव मौके पर हुए बरामद। चार पहिया वाहन ऑल्टो कार पलटी मिली। मृतक अनुज दीक्षित निवासी हमीरपुर भाटिया ग्रुप का मैनेजर बताया जा रहा है, और युवती अमौधा सतना की निवासी बताई जा रही है। युवती का शव गाड़ी से बरामद हुआ, जबकि युवक का शव सड़क पर पड़ा हुआ बरामद हुआ। आसपास के लोगों की माने तो मृतकों के वाहन के पीछे से दूसरा पहिया चार पहिया वाहन कर रहा था तेजी से पीछा। मोड़ में वाहन पलटने के बाद ही मृतकों को गोली मारी गई। एडिशनल SP समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचे। नया गांव थाना क्षेत्र के सतना चित्रकूट मार्ग पड़हा मोड़ के पास की घटना। घटना है नया गांव थाना से सतना रोड पर गुप्त गोदावरी से 1 किलोमीटर पहले की घटना है। थाने पर एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, जब पुलिस यहां पर पहुंची है तो उन्होंने ये पाया कि एक्सीडेंट के बाद उनके साथ 302 की घटना की गई है। इसमें महिला है और एक पुरुष है, दोनों की मृत्यु हो गई है। मृत्यु के कारणों का जो घटना का कारण है उसका पता लगाया जा रहा है। FSL टीम वगैरह भी घटनास्थल पर आ रही है। तमाम इंक्वायरी के बाद यहाँ से जो है पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आएगी। उसके बाद इसके पहले हम लोगों ने जो है टीम रवाना कर दी है इस घटना की जानकारी पता लगाने के लिए। जैसे जानकारी खुलेगी हम बताया जाएगा। ठीक। शाहजहाँपुर राज्यपाल आनंदीबेन का शाहजहाँपुर दौरा। विनोवा सेवा आश्रम पहुंची राज्यपाल, छात्र छात्राओं को करेंगी संबोधित। प्रगतिशील महिलाओं से भेंट करने के बाद वितरण करेंगी कंबल। गोद लिए गए TB रोगियों के इलाजरत रोगियों से भी मुलाकात करेंगी। विनोवा सेवा आश्रम के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने बरतारा ग्राम पहुंची महामहिम।